नागमणि का रहस्य आज भी उलझा हुआ है। इच्छाधारी नागिन जब चाहे वह इंसान बन सकती हैं, क्योंकि इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होती है। पौराणिक लोक कथाओं में जिन जिन कहानियों का जिक्र हुआ है, उनमें से सबसे रोचक कहानी इच्छाधारी और नागमणि की रही है। यहाँ तक कि सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि नाग और नागमणि के ऊपर टीवी सीरियल भी आ चुका है और कई फिल्में भी आ चुकी हैं, जिसमें इच्छाधारी नागिन को ऐसे दिखाया जाता है कि वह जब चाहे अपना रूप बदल सकती है, जब चाहे वह इंसान बन सकती है। ऐसा इसलिए संभव हो पता है क्योंकि इच्छाधारी नागिन के पास नागमणि होती है। नागमणि का रहस्य आज भी उलझा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच में नागमणि जैसी कोई धातु होती है या नहीं, तो चलिए जानते हैं। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार नाग के पास एक मणि होती है जिसे नागमणि कहा जाता है। यह कोई साधारण मणि नहीं होती है, इसमें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मणि जिस भी व्यक्ति के पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। इसकी चमक की बात की जाए तो यह इतनी ज्यादा चमकदार होती है कि इसके सामने हीरा भी फीका पड़ जाता है। कहानियों के अनुसार जिसके पास भी नागमणि होती है उसके पास अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन नागमणि को लेकर सच्चाई यह है कि आज तक दुनिया में किसी भी व्यक्ति को नागमणि नहीं मिली। इसलिए नागमणि के होने और न होने का कोई प्रमाण नहीं है। जीव वैज्ञानिक के अनुसार नागमणि जैसी कोई चीज नहीं होती है। नागमणि एक काल्पनिक धातु है जिसे सिर्फ फिल्मों और टीवी सीरियल में दिखाया जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार ना तो नागमणि होती है और ना ही सांपों के पास ऐसा कोई रत्न होता है जिसमें शक्तियां हों। अगर हमारी वीडियो की कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और न्यू वीडियो के लिए कमेंट्स जरूर करें।